नमस्कार, मैं उषा गात्रा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है और ये धरना जो है वो ईडी के खिलाफ है। जी हाँ, जब से ईडी का जो बाज की नज़र झारखंड में पड़ी है, मानो यहाँ सियासी गलियारे में भूचाल मच चुका है। जहाँ एक और पूजा सिंघल से शुरुआत हुई थी इस बात की और सुमन गुप्ता, पूजा सिंघल, बड़े बड़े डीएमओ को बुलाया गया, तलब किया गया। इसके बाद ये कहना है कांग्रेस का कि जितना भी कार्रवाई हो रहा है असल में ये ईडी का नहीं, ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश है। क्योंकि भाजपा जो है वो हमारी सरकार को तोड़ना चाहती है और सेंट्रल एजेंसी ईडी की मदद से वो लगातार प्रहार कर रही है ताकि हम टूट जाए। लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं और 5 साल अपना कार्यकाल हम जरूर पूरा करेंगे। ईडी को वो कांग्रेस जो है वो संदेह की नजर से देख रही है और एक इंस्ट्रूमेंट टूल बता रही है जिसके थ्रू सरकार को यहां गिराने की, हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये निशिकांत दुबे से भी कफा है, कई सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हमसे बात किया है। कौन आरोप लगा रहा है पहले उसका नाम बताइए। इस तरह के आरोप, बीजेपी के आरोप का जवाब देना कोई की जरूरत नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग शांति का पैगाम लेकर के लगातार माहौल को शांत करने में लगे हुए हैं। वो भाईचारा और जो हमारी वो है, उसको गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। वैसे लोग उस तरह के बयान देते हैं, उनके बयान पर तवज्जो देने की जरूरत है। 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, वो बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर का उनको समय दिया गया, वो जल्द अपने निर्णय। राजेश, पुलिस की कार्रवाई पे थोड़ा सवाल उठ रहा है, जिस तरह से फायरिंग, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जब कमेटी गठित कर गई है, पहले कमेटी को गठित, सब चीज में राजनेताओं को बोलने की जरूरत नहीं है। इसी से देश का माहौल खराब हो रहा है। अगर ये नूपुर शर्मा और जो बाकी लोगों को बोलने की इतनी इजाज़त दी गई कि बोलते बोलते पूरे देश का माहौल खराब कर, बाद में प्रधानमंत्री जी को समझ में आया नहीं ये गलत बोल रहे हैं, पहले तो ऐसे लोगों को इनाम देते हैं, पुरस्कृत करते हैं और फिर इस तरह की बात करते हैं, तो पहले इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए लोगों को अनर्गल बयानबाजी से बचना होगा और लोगों को ये समझना होगा कि हम जब भी कोई बात करें संजीदगी के साथ करें, ताकि जो माहौल है, जो देश का एक वातावरण है, जो सामुदायिक, जो हम लोगों की एक सौहार्द है, वो ना मिले। देखिए, ईडी का या इनकम टैक्स या सीबीआई का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए। उन संस्थाओं की जो मर्यादा है वो मर्यादा तार तार नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विचारों का मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन विचारों के मतांतर को व्यक्तिगत रूप से अपमानित, प्रताड़ित और परेशान करने का यदि माध्यम बनेगा और यदि संस्थाएं जो है पॉकेट की संस्थाएं बन जाएंगी, राजनीतिक संस्थाएं बन जाएंगी, तो विरोध होना स्वाभाविक है। ये सरकार पूरे मजबूती से 5 साल चलेगी और ये सरकार को हम लोग मजबूती से 5 साल चलाएंगे। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक इकलौ चलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संकातिल हो जाए, हरलप पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ कालम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है, और जब कातिल निकले सड़कों पर मुंसिफी ही घबराने लगे और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, आवाम को भी जगा रहे हैं। तो आपने सुना कि बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि शेरो शायरी के साथ उन्होंने अपने अंदाज में कहा है कि ये सरकार को 5 साल टिकने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी का जो आरोप है, जो भी इतना खोखला आरोप है जिसपे वो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती है। क्या राजेश ठाकुर जवाब दे या ना दे, लेकिन सच तो है। और साथ ही रांची में हिंसा वाले बात पर भी उन्होंने कहा कि पुलिस की जो कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनेता को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि नूपुर शर्मा ने जो कहा है, इतना जो आज़ादी दी गई है बोलने का, आज उसी का नतीजा है। खैर, हमारा काम है खबर दिखा रहा है, जज करना आपका काम है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।